मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में आज आरएलडी नेता विनोद मलिक के नेतृत्व में आरएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व विधायक राजपाल वालियान और अन्य आरएलडी नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने खंड विकास अधिकारी बुढ़ाना पर स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय विधायक और सांसद पर भी विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा कि यहां के सांसद और विधायक बौखलाए हुए हैं, जिस कारण लगातार बुढ़ाना विकास खंड के विकास कार्यों में बाधा डालते रहते हैं। बुढ़ाना ब्लॉक में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में लगातार आरएलडी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आरएलडी नेताओं का कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आज इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है क्योंकि सारे विकास कार्य जितने भी थे यहाँ का जो खंड विकास अधिकारी है वो करना नहीं चाहता। वो कहते जिससे उससे बात हुई, एक दो बार वार्ता हुई लोगों की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे तो उन लोगों ने बात की। वो उसने बताया कि मेरे पास तो दबाव है क्षेत्रीय विधायक का और सांसद का, क्योंकि जब यहाँ की शपथ हुई थी, शपथ समारोह में हुआ था, शासन आदेश था कि उसके बाद प्रस्ताव लिए जाएंगे, यहाँ प्रस्ताव विधिवत लिए गए और वो कार्य योजना में जोड़े गए, उसके बाद टेंडर आमंत्रित किए गए, टेंडर होने के बाद टेंडर भी निश्चित रूप से विधिवत हुए। 3 महीने हो गए यहाँ पर जो है किसी को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत अपेक्षा थी, ये क्षेत्र की जनता को बहुत अपेक्षा थी, परंतु क्षेत्र की जनता त्रस्त है और क्षेत्र की जनता यहाँ परेशान है, इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ब्लॉक कार्यालय में ताला डाल दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मुजफ्फरनगर से आदेश सैनी की रिपोर्ट।